2 जून 2023 में आपके राशि अनुसार आपके दिन कैसे जाएंगे, चलिए जानते हैं। 2 जून 2023 में मेष राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। प्रिय मेष राशि, तुला राशि में चंद्रमा आप में से कुछ को विचलित कर सकता है, जिससे आप गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने के लिए मजबूत हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं और स्थिति की कमान संभालने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रिय मेष राशि, यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो इसके लिए पूछे, लेकिन ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दिन का आपका सबसे भाग्यशाली समय शाम के 3:35 से 5:45 बजे के बीच है। आज के लिए आपका लकी कलर लाइम ग्रीन है। लव डिटेल्स, आपका प्रेम के बारे में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। आज हालात कुछ ऐसे होंगे कि आप अपने प्यार को भरपूर रूप से नहीं पा सकेंगे। उन हालात पर काबू पाने के लिए अपने अहम को एक तरफ करके जिंदगी का भरपूर आनंद अनुभव करें। आप अपने चाहने वाले के साथ मस्ती का अनुभव करेंगे। तो और करियर के बारे में क्या बोला है आपका, आज अपने कार्यक्षेत्र में आप कुछ नए संबंध बनाएंगे, जिससे आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। नए लोगों से मिलने के तैयार रहे, वो अपने साथियों से गहराई में बात करें। आप कोई दोस्ती कर सकते हैं, जिससे कि कार्यक्षेत्र में आपको फायदा हो सकता है। आज किसी को भी नजरअंदाज ना करें, क्या पता भविष्य में किसकी जरूरत पड़ जाए, जैसे गौर कीजिएगा इस बात को दोस्तों। उसके बाद बिंद डिटेल्स, मतलब आपका फाइनेंशियल के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। आज साझेदारी का अच्छा फायदा मिलने वाला है, इसलिए अगर आप कोई साझेदारी करने की सोच रहे हैं तो आज उसे करने का बढ़िया दिन है। अगर आपके सामने अच्छी अवधि के लिए भी कोई प्रस्ताव आता है तो भी आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। आप पाएंगे कि व्यापार के अकेले चलने से कहीं बेहतर है दो लोगों का मिलकर चलना। आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या लिखा है, आज सेहत को लेकर आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप कोई भी शारीरिक काम कर सकते हैं, जिसे करने में आपको अच्छा लगता है और इसके बाद आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आज आप पूरे दिन ऊर्जा में भरे रहेंगे। 2 जून 2023 में वृषभ राशि के बारे में क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। प्रिय वृषभ राशि, चंद्रमा तुला राशि में गोचर करने लगा है और इसके कारण आज आप इस बात पर गौर कर पाएंगे कि आपका वर्तमान जीवन क्या है। आज आपको बेहद सहज और रचनात्मक महसूस होगा। इसकी वजह से आप हर वो चीज हल कर पाएंगे जिसको करने के लिए बेहद ध्यान की जरूरत होती है। एस्ट्रोयोगी के ज्योतिषी कहते हैं कि आज आपका दिन प्रेरणा से भरा हुआ होगा और आपको खुद में सकारात्मक ऊर्जा का भी एहसास होगा। दूसरों को खुशी देने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करें। दोपहर के 12:30 से 3:15 का समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। भाग्यशाली रंग आपके लिए आज क्रीम रहेगा।
अब प्रेम के बारे में क्या लिखा है दोस्तों, वृषभ राशि के बारे में देखते हैं। आज आप अवांछित मतभेदों पे बचने का प्रयास करें, छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर दे। आप आएंगे कि आपसी रिश्ते फिर से सामान्य हो रहे हैं। अच्छे से गौर कीजिएगा दोस्तों। अब करियर के बारे में क्या लिखा है वृषभ राशि के, आप आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में हुए बदलाव के बारे में सोचकर ये निर्णय लेना चाहिए कि आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखें, वो उसी दिशा में केंद्रित होकर काम करते रहे। कोई आपको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। बिंत डिटेल्स मतलब फाइनेंशियल के बारे में क्या लिखा है। आज तो सब तरफ से खुशी का दिन है, बहुत पहले आप जो निवेश कर रखा था उसका आज बढ़िया लाभ मिलने वाला है। कोई पुराना लेन देन जो आप भूल ही चुके थे आपका, उसका भी आपको आज लाभ मिलेगा। ये अचानक ही होगा, लेकिन इस पैसे को यूं ही मत खर्च कर दीजिएगा, बल्कि इसे बचाकर बैंक में डाल दीजिए। अब स्वास्थ्य के बारे में लिखा है, ध्यान से आज आप रोमांचित और योग से आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख पाएंगे। योग और ध्यान आपके शरीर को शांत रखना ही नहीं बल्कि दिमाग को शांत रखना भी सिखाएगा। 2 जून 2023 में मिथुन राशि के बारे में क्या बोला है चलिए पढ़ते हैं। खुद को बेहतर तरीके से कैसे बैंक कर पाएंगे। आपको दूसरों द्वारा बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है। ये आपको अनावश्यक तर्कों और गलत फहमियों से बचने में मदद करेगा। अपने रिश्तों में विशेष रूप से दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिता पाएंगे। अपने सामाजिक और राजनयिक कौशल का निर्माण करें, इससे आपको लाभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप जिस सफलता की उम्मीद कर रहे थे उसे हासिल करने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करें। अष्टयोगी ज्योतिष के अनुसार गुलाबी रंग आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। 10 बजे से सुबह 11:30 बजे की बीच कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। लव डिटेल्स, आज ध्यान रखें कि आप अपने साथी को किसी भी कारण से ना कोसे। अत्यधिक नकारात्मक स्वेये के कारण आप दोनों के बीच की दूरियां बंध सकती है। आपकी भाषा का असर साथी पर पड़ेगा और हो सकता है कि वो भी उसी भाषा में आपको जवाब देना शुरू कर दे।
इस विषय पर आज सतर्क रहे। अब देखते हैं करियर के बारे में। अपने ग्रुप में पहचान मिलने वो करियर में वृद्धि के कारण आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। यहाँ तक करियर का सवाल है, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी योजनाएं सुचारू रूप से चलेगी। आपके साथी आपके प्रदर्शन की सराहना करेंगे और आपके उच्चाधिकारी आपके काम करने के तरीके से खुश होंगे। ऑफिस में सारे दिन एक से नहीं होते, इसलिए आपको आज के दिन का पूरा मजा लेना चाहिए। बिंते डिटेल्स मतलब फाइनेंशियल के बारे में बोला है। आज आप किसी ऐसी फाइनेंशियली बिंती मतलब फाइनेंशियली योजना के झांसे में मत फंस जाइएगा। तो बाहर से दिखने में तो बहुत आकर्षक लगे, लेकिन उससे उतना फायदा नहीं हो। झटपट अमीर होने वाली ऐसी योजनाओं से बचकर ही रहे, क्योंकि अनंत इससे आपका नुकसान ही होने वाला है। इसलिए ख्वाबों की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत की जमीन पर रहिए। स्वास्थ्य डिटेल्स। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर आज आपको छोटे मोटे दर्द से लड़ना होगा। आज आपको हल्का व्यायाम करना होगा। बड़ी समस्या से ना घबराए, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। पेट को ठीक रखने के लिए पौष्टिक खाना खाए। अब आते हैं हम कर्क राशि। 2 जून 2023 में कर्क राशि के जातक तुला राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप आमतौर पर उत्साहित मूड में रह सकते हैं। आज आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप सफल हो सकते हैं। आपको अच्छा महसूस होगा। महत्वपूर्ण मामले पर भी निर्णय लेने के लिए ये आपके लिए अच्छा दिन है। फिर से तरोताजा महसूस कर सकते हैं। आपको किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों के कारण के लिए दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच कर सकते हैं। लाल रंग का ब्राइन शेड पहनना आपके लिए लकी होगा। लव डिटेल्स मतलब प्रेम के बारे में क्या लिखा है। हो सकता है कि चाहने वाले से कुछ दूरियां बन जाए। चिंता ना करें, ये थोड़े समय के लिए है। अपनी इस तुनक मिजाजी और नकारात्मकता को अपने दोस्तों में ना आने दे। ठंडे दिमाग से काम ले और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताए। फालतू की बहस में ना पड़े। करियर के बारे में लिखा है, करियर के बारे में है। हाल में अपने नई नौकरी के बारे में जो निर्णय लिया है, आज आपके एहसास होगा कि आप ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी आपकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं है और इससे आपके करियर में रुकावट आ सकती है, तो आपको ये सोचकर खुश होना चाहिए कि ये नौकरी आपको बड़ी मेहनत के बाद मिली है। उसके बाद आते हैं बिंत डिटेल्स मतलब फाइनेंशियल करियर। पैसों की भरपूर आवक दिख रही है।
बहुत पहले आपने कोई निवेश कर रखा था, उससे आज बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये अचानक ही होगा, आप खुशी से उछल ही पड़ेंगे। लव के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में बहुत ही अच्छी बात बोली है दोस्तों। तो अब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। आज आपकी सेहत में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और इस बदलाव को आप भी देखेंगे। सेहत बढ़िया रहेगी, इसलिए ज़्यादा मेहनत वाला काम कर सकते हैं। अगर आप बीमार पड़ने के कारण अपने काम में पीछे रह गए थे, तो आज वो दिन है जब आप ज़्यादा समय देकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। आज आप तनाव मुक्त और ज़्यादा ऊर्जावान होने का लाभ उठा पाएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी क्रियाशाली रहेंगे। अब आते हैं सिंह राशि। 2 जून 2023 प्रिय सिंह राशि के जातक, आप अपने दिन में गर्मी और शांति महसूस करेंगे। आप बहुत सारे सामाजिक आयोजनों में भाग लेंगे और नई लोगों से मिलेंगे, जो आपके उन लोगों के साथ सुहाई की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिन्हें आप अपने करीबी मानते हैं। आज आप काम से जुड़ी चीजों का ध्यान रखने के लिए सहोत्साहित महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए और उन लोगों के साथ इसका आनंद लेना चाहिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, जैसे आपको दोस्त और परिवार। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी आज आपको इंडिगो रंग के कपड़े पहनने की सलाह देते हैं। आपका शुभ समय आज दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच है। उसके बाद आते लव डिटेल्स। आज आपके पुरानी सोच को आपकी रोमांटिक जिंदगी पीछे छोड़ देंगी, जिसके कारण नई रिश्ते बन सकते हैं। अपने साथी के समक्ष अपने विचार रखने में ना हिचके तथा खुलेपन से आपसी रिश्ते पर विचार करें। हो सके तो बाहर घूम जाए, उम्मीद है कि इससे आपकी सोच एवं रिश्ते पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज का दिन प्यार पाने का है। अब करियर के बारे में बोलते हैं। लंबे समय से चली आ रही आपकी कोई इच्छा आज पूरी हो सकेगी। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। अपने परिणाम से उन्हें खुशी वो आश्चर्य होने ही होंगे। जो लोग व्यवसाय में है वो आपसे कि उनके लंबे समय के कुछ लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। बिंदी डिटेल्स मतलब फाइनेंशियली। सोच समझकर किए गए निवेश से आज बड़ा लाभ मिलने वाला है। आगे कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दोस्तों से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं। वे आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनकी बात मानिए फिर निवेश कीजिए। आगे चलकर आपको उसका अच्छा लाभ दिखेगा, एक कोशिश तो कीजिए। आज आप ऊर्जावान और तनाव मुक्त रहेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा आश्रय होगा। इस दोनों के खूब
मस्ती में गुजारें क्योंकि कम तनाव और खुशनुमा मूड आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आज आपको बाहर जाकर मस्ती करने का मौका मिलेगा, इसलिए इन दोनों को मस्ती में गुजारे। अब कन्या राशि के बारे में क्या बोला है चलिए पढ़ते हैं। 2 जून 2023 में तुला राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आप में से कुछ लोगों को आत्मविश्वास दिला सकती है। अपने आप को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल और समायोजित होने के लिए तैयार रखें। हालांकि इस ग्रहों की उपस्थिति के कारण आपके सामाजिक जीवन में आने वाले किसी भी गलतफहमियों से सावधान रहे। प्रिय कन्या राशि, आपको अपनी भाषा और अपने शब्दों को ध्यान से चुनने की जरूरत है ताकि आप किसी विशेष व्यक्ति को नाराज ना करें। अष्टयोगी ज्योतिषी का सुझाव है कि आपको इन बातों को ध्यान में रखना है और बाकी चीजें खुद से ठीक से हो जाएंगी। आज आपके लिए नीला रंग भाग्यशाली होगा और शाम 4 बजे से शाम 5 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ होगा। लव डिटेल। ओ बा कत बार घुमू तुम्हारा हमें वीडियो बनाते से बोला काय सामने खैखू करता सो। अब आते लव डिटेल्स। आज आपको चाहिए कि ध्यानपूर्वक सुने कि आपका साथी क्या बताना चाहता है। हो सकता है वो अपने जरूरत या चाहत बनाता चाहता है, उसकी बातों पर भरपूर ध्यान दें। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं विचार करेंगे तो उसका आपसी रिश्ते पर अच्छा असर पड़ेगा। अब करियर के बारे में बोला है। करियर के क्षेत्र में वृद्धि के संकेत है। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। क्या पता किस दिशा में कोई नया मौका आ जाए या फिर कौन कहां आप पर नज़र लगाए बैठा हो, इसलिए हर समय अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें। शुभ समाचार हालांकि अचानक ही आएगा लेकिन उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। बिंद डिटेल्स फाइनेंशियली। आज आप पर्सनल रिलेशंस बनाने के लिए खूब खर्च करेंगे और इससे लोगों में आपकी ताक भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से आप अपनी छवि को लेकर चिंतित थे। आपके मलाल था कि इसका इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों में आपका प्रभाव कायम नहीं हो रहा था। सो आपने ये ठीक ही कदम उठाया है। अब तो सब आपके कायल होंगे। बस ध्यान रखिएगा कि उन्हीं लोगों पर पैसा खर्च कीजिए जो आगे आपको काम आए। स्वास्थ्य डिटेल्स। स्वास्थ्य के बारे में क्या लिखा है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कुछ पुरानी बीमारियों के कारण आप परेशान और चिड़चिड़े हो गए हैं, मगर ये जानकर आपको खुशी होगी आज आप फिर से पहले वाले रास्ते पर आप जाएंगे। आज आप संतुलित भोजन करें और अपना ज़्यादा समय टीवी देखने में ना लगाकर बाहर जाकर व्यायाम में लगाए। अब तुला राशि के बारे में बात करेंगे। 2 जून 2023 तुला राशि के जातक, आज ये आवश्यक है कि आप अपने जीवन में चीज़ों के प्रति शांत और धैर्यवान रहे। आपको विभिन्न चीज़ों का अत्यधिक ध्यान रखने और अपने आसपास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचने की आवश्यकता हो सकती है। चीज़ों पर काम करते समय आपको धैर्य रखना चाहिए क्योंकि ये
यह आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करने और उनका दिल जीतने में मदद कर सकता है। साथ ही आज का दिन आपको एक मजबूत और लचीला व्यक्ति बना सकता है, जो योग्यता के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। अष्टयोगी ज्योतिषी आज आपको मठ मेले रंग के कपड़े पहनने की सलाह देते हैं। आज आपका शुभ समय सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच है। लव डिटेल्स। आज का दिन दिक्कतों भरा दिन है, जिसमें आपको ये समझना कठिन होगा कि आपसी गलत फहमियों को कैसे दूर किया जाए। अपनी समझदारी से इस कठिन परिस्थिति से बचकर निकलना होगा। आपकी यही समझदारी आपके साथी को आपकी और आकर्षित करने का कारण होगी। सदैव अपने प्रिय से प्यार एवं सहानुभूति से पेश आए, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। करियर डिटेल्स। आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थी हालांकि मौज मस्ती के मूड में है, लेकिन ये केंद्रित होकर पढ़ने का समय है। आज आपका ध्यान कुछ भटका रहेगा, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको फिलहाल मेहनत करनी चाहिए। अगर इस समय आप मेहनत करेंगे तो भविष्य में आपको इसका लाभ ही मिलेगा। विद डिटेल्स मतलब फाइनेंशियली के बारे में बोला है। व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और लाभ देखकर आप खुश हो जाएंगे। व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत हो रही है, ये आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि ये आपकी उपेक्षा को अनुरूप नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आप तरक्की की ओर जा रहे हैं। अपने बजट को संतुलित रखिए, खर्च को सही तरीके से कीजिए, तरक्की कायम रहेगी। स्वास्थ्य डिटेल्स। स्वास्थ्य के बारे में बोला है, आज आपको सेहत को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। अच्छी सेहत के कारण आप बाहर टहलने जा सकते हैं और अपना मनपसंद खेल भी खेल सकते हैं। आज पूरे दिन आपके अंदर ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। 2 जून 2023 में प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, तुला राशि में चंद्रमा के कारण आज आप कुछ पहलुओं पर खुद को निराश पा सकते हैं। आज आप पा सकते हैं कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे पूरे नहीं हो रहे हैं और ये आपके आत्मविश्वास के स्तर को प्रभावित करता है। आप अपनी उत्पादकता के बारे में चिंतित हो सकते हैं। एक सांस ले और इस पर तनाव ना ले। अष्टयोगी ज्योतिषी का कहना है कि आज का दिन थोड़े खराब है बस, और आप जल्द ही इन सभी मोर्चों पर सुधार देखेंगे। अपने आप में आत्मविश्वास जगाने के लिए बैंगनी रंग का कुंच पहने। शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच का समय आपके लिए दिन का सबसे भाग्यशाली समय है। लव डिटेल्स। संवेदनशील रिश्तों पर
वापस में बातचीत करते हुए ध्यान रहे कि आपकी बातों से गलत फहमियां ना पैदा हो। कुछ कहने से पहले भली प्रकार सोच ले। वो अपने साथी की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुने। करियर डिटेल्स। ऑफिस जाने वाले के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको जिस पदोन्नति का इंतजार था वो या तो आपको मिल सकती है या आपको आसपास ही हो सकती है। परेशान ना हो, विद्यार्थियों ने जो मेहनत की है उसका शुभ परिणाम अंत में उन्हें जरूर मिलेगा। जहाँ तक करियर का सवाल है, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा। विद डिटेल्स फाइनेंशियली जो भी है आपका। अगर आप व्यापार में है तो आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है। व्यापार में लाभ के संकेत है और कोई आर्थिक समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। आपके लिए व्यापार और करियर के कुछ अच्छे विकल्प खुल रहे हैं, इसलिए आप कुछ नए आइडिया और संपर्क टूटने शुरू कर दीजिए। स्वास्थ्य के बारे में क्या बोला है? स्वास्थ्य डिटेल्स। आपको इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आज आपको हल्के दर्द की शिकायत बनी रहे, इसलिए ये अच्छा समय है जब आप बेहद बाहर जाकर ताजी हवा और व्यायाम का लाभ उठा सकते हैं। आपका खान पान ठीक है मगर लापरवाही के कारण आपको परेशानी हो सकती है। अब धनुराशि की बात करते हैं। 2 जून 2023 में चंद्रमा की उपस्थिति तुला राशि में होने के कारण आप काफ़ी तनावग्रस्त और परेशान महसूस कर रहे हैं। अपने किसी करीबी मित्र या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मिले पर आप हल्का महसूस कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को ज़्यादा करने में संकोच ना करें और उन्हें केवल अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि ये भावनाएं आपकी गुस्से में बदल सकती है और इससे आप अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। इस खुली बातचीत आपको कई तरीकों में और काफ़ी गहराई तक मदद कर सकती है, जो कि आप सोच भी रही नहीं सकते। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों की सलाह अनुसार नकारात्मक को दूर रखने के लिए नीले रंग का कुछ पहने और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे के बीच करें। सफ़ेद रंग आज आपके लिए शुभ होगा। अब लव के बारे में बात करते हैं, प्यार के बारे में। विवादों एवं तकरारों से बचते हुए अपने प्यार को बरकरार रखने का प्रयास करें। बोलने से पहले यदि भली प्रकार सोच लेंगे तो आप अपने सभी के मिजाज को बिगड़ने से बचा सकते हैं। हालात को बिगड़ने से बचाने का प्रयास करें। आप शांत रहकर समझदारी से माहौल को बिगड़ने से बचाने का प्रयास करें। करियर डिटेल्स। कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में जो विकास हुआ है उसके कारण भविष्य में आपको लाभ ही मिलेगा। जिस लोगों को किसी शुभ समाचार का इंतजार था आज उन्हें वो खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थी जिस मेहनत वो लगन से पढ़ाई कर रहे हैं अंत में उन्हें अपनी मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। बिंद डिटेल्स मतलब फाइनेंशियली के बारे में क्या लिखा है। आपके व्यापार में आश्चर्यजनक तरक्की
के संकेत है। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको अपनी गतिविधियां और बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि आपकी मौजूदा बिक्री अच्छे फायदे दे रही है, लेकिन नए ग्राहक बनने के कारण आपको अपना उत्पादन और अधिक करना होगा। काम बहुत आ रहा है, इसलिए समझदारी से उनका चुनाव करें, आप अच्छा करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में क्या लिखा है? आज आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आज आप बाहर जाने के लिए उत्साहित होंगे, इसीलिए बाहर जाकर ताजी हवा का लाभ उठाएं। आज आपका मन अपना मन पसंद भोजन बनाने को करेगा। आप खूब मस्ती करेंगे और ऊर्जा का स्तर में भी ज्यादा रहेगा। आज आप मस्ती करें क्योंकि आज आपकी सेहत एक कदम टिप टॉप रहने वाली है। अब मकर राशि की बात करते हैं। 2 जून 2023 में प्रिय मकर, आज आप भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस कर सकते हैं और आप पा सकते हैं कि आपके पास कल्याण की बहुत विस्तृत भावना है, क्योंकि तुला राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपको आशावादी और सहमुख भी महसूस करा सकता है। आज आप में से कुछ लोग अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्यों में लगाने में सक्षम हो सकते हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक योजना निर्धारित करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप पाएंगे कि आप दिन के अंत में काफ़ी उत्पादक हो सकते हैं। अष्टयोगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि दोपहर 3:15 PM बजे के बाद किसी भी जरूरी काम को ढाले नहीं चाहिए, ये आपका शुभ समय है। अपने वस्त्र में रंग क्रिम्सन को शामिल करने से बृहदीय घटना की सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित होंगी। लव डिटेल्स। आज आप महसूस करेंगे कि आपकी जरूरी आपके प्यार एवं चाहतों के अनुकूल चल रही है। सुनिश्चित करें कि आप अपने बनाए आदर्शों के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करें, ना कि अन्य लोगों के अनुसार। आपका साथी आपको भरपूर प्यार भरा साथ देगा, जिससे परिवार में आज खुशियां आएंगी। करियर डिटेल्स। आज आपको इस बात की खुशी होगी कि अपनी मेहनत के कारण आप अपने काम में सफल हो सकते हैं। आपके साथी भी इस बात से खुश होगा कि आप अपने काम वो सफलता का मजा ले सकते हैं। अच्छे समय का पूरा लाभ की कोशिश करें। बिंद डिटेल्स मतलब फाइनेंशियली स्थिति आपकी। अगर आप व्यापार में हैं तो पाएंगे कि इन दिनों आपके माल की बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और आज भी ऐसा ही होगा। आपके काम की गुणवत्ता बनाए रखिए, आपको लाभ होगा। आपके इस प्रदर्शन से आपके बड़े अधिकारी भी आपके कायल हो रहे हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आज कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। जिस लोगों ने व्यायाम करना बंद कर दिया है या फिर से व्यायाम करने की सोच रहे हैं, वो लोग अब इंतजार ना करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है। आज आप पूरे साहस के साथ
सेहतमंद को पाने में जूझ जाएंगे। आज आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे और आज आपकी बच्चा बेहद चमकती रहेगी, त्वचा बेहद चमकती रहेगी। आज लोग आपसे आपकी खूबसूरती का राज पूछ बैठेंगे। अब आते हैं कुंभ राशि। 2 जून 2023 में प्रिय कुंभ, चंद्रमा के तुला राशि में गोचर की वजह से आज आप किसी भी तरह की गलत फहमी से सावधान रहे। आज आपके जीवन में गलत फहमी आ सकती है जिससे आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े आवेग पूर्ण कार्य करने के लिए मजबूत हो जाएंगे। याद रखे चीजों को रोकना ही इसका बेहतर इलाज है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी का कहना है कि आज दिन सुरक्षित रखे और दिन को जैसे भी हो बीतने दे। अंत में आप पाएंगे कि सभी रिश्ते बरकरार है। शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे का समय बहुत ही भाग्यशाली है। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हुए रंग के वस्त्र पहनने से बचे, लिए हरे रंग के वस्त्र पहनने से बचे। उसके बाद आते लव डिटेल्स, प्यार के बारे में क्या बोला है। आज आपके साथी के पास समुचित समय ना होने के कारण आपको अकेलापन झेलना पड़ सकता है। समय का सदुपयोग कोई पुस्तक पढ़कर या अपने किसी मित्र से मिलकर किया जा सकता है। इस प्रकार अपने साथी के दूर रहकर समय बिताने से आप अपने आप का भली प्रकार मनोरंजन कर सकते हैं। करियर डिटेल्स, करियर के बारे में बोला है। काम के लिहाज से आज का दिन बहुत शुभ है। जिन योजनाओं पर आप मेहनत कर रहे हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर आपका करियर सही दिशा में आगे बढ़ सकता है, इसलिए आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लोग आप पर नजर रखे हुए हैं और समय आने पर आपको इसका प्रतिफल भी जरूर मिलेगा। बिंद डिटेल्स में फाइनेंशियली आपका कैसा रहेगा। अगर आप आज किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हैं तो पाएंगे कि यहाँ आना आपके करियर के लिए बड़ा फायदेमंद रहा। लोगों को अपने बारे में बताइए। आप पाएंगे कि कोई बड़े काम के लोगों से आपका संपर्क बना और फिर आगे इसका फायदा ये कि आपका व्यापार रहेगा और ये बस हुआ लोगों से आपका व्यापार संपर्क बनाने की वजह से। उसके बाद हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आज आपकी सेहत चमकती नजर आएंगी और इस चीज को दूसरे लोग भी महसूस करेंगे। आज आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से खुद को स्वस्थ पाएंगे। आज मानसिक तनाव भी कम होगा, इसलिए आज आप पूरी शक्ति से अपने घर वाले और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर पाएंगे। अब आते हैं मीन राशि। 2 जून 2023 में प्रिय मीन, जैसे ही चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करता है, परिवार का कोई सदस्य का करीबी दोस्त आपकी खुशी देगा और आपको गर्व महसूस कराएगा। जब किसी की तारीफ करने की बात आती है
तो शर्माइए नहीं, आज का दिन खुश होने के लिए अच्छा है, क्योंकि आप जिस किसी की परवाह करते हैं वो कुछ उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकता है। किसी भी चीज के लिए आप वास्तव में सहायता करते हैं, वे पुरस्कार, उच्च ग्रेड या प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें बधाई देना और उनकी पीठ थपथपाना ना भूलें। आपके आनंद को व्यक्त करने के लिए केवल प्रभागत मिठाइयों या उपहारों का उपयोग किया जा सकता है। मोती रंग आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। शाम 6 बजे का समय, शाम 6:45 तक, मतलब 6:00 PM से 6:45 PM बजे तक आपके लिए काफी भाग्यशाली रहने की संभावना है। अब आते लव डिटेल्स, मतलब प्यार के बारे में क्या बोला है। आज अपने उस दोस्तों से सचेत रहे जो कि आपके साथी के साथ आपका संबंध बनाना चाहता है। ये मुद्दा आपके लिए आपके प्रिय के बीच का है। इसमें आपके दोस्त का आना अवांछनीय है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अवांछित हस्तक्षेप न करने दे। उसे आसपास बता दे कि ना उसे साफ साफ बता दे कि ये आपका आपसी मामला है और इसे आप स्वयं ही निपटा लेने में सक्षम है। करियर डिटेल्स, करियर के बारे में क्या बोला है। हालांकि आने वाला समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन अब आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। बधाई खत्म हो जाएंगी और आप आसानी से अपने काम पर ध्यान लगा सकेंगे। आज खुद को शांत रखे की कोशिश करें। विधि डिटेल्स, मतलब फाइनेंशियली के बारे में क्या बोला है। अगर आप उत्पादन उद्योग में ही है तो आज आपके सामने फायदा पहुंचाने वाले कोई विकल्प आएंगे। इसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि सभी विकल्प एक से बढ़कर एक है। इसलिए थोड़ा समय ले और इसमें से अपने लिए सबसे बढ़िया चुने। इस अच्छे मौके का भरपूर मजा लीजिए। स्वास्थ्य के बारे में क्या लिखा है। आज आप बहुत खुश नजर आएंगे। ऊर्जा का स्तर में ज्यादा बना रहेगा। आज आप साहस जुटाकर फिर से व्यापार शुरू कर देंगे। आपने लापरवाही की वजह से व्यायाम ठीक से नहीं किया, मगर अब वो समय आ गया है जब आप फिर से जिम शुरू करेंगे और अच्छी जीवन शैली को अपनाएंगे।